दोस्तों, जब भी हम किसी काम को जल्दबाजी में करते हैं तो हमारी दोनों हाथ की कुहनी में से कोई एक भी अगर किसी दीवार या फिर किसी चीज से टकरा जाती है तो हमें ऐसा महसूस होता है हमारे हाथ की कुहनी को करंट लगा है और हमें एक बिजली के झटके जैसा महसूस होता है। और ये चीज दोस्तों हर इंसान के साथ कभी ना कभी होती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप कोई काम कर रहे होते हैं और दीवार या फिर किसी चीज से भी आपके हाथ की कोहनी टकरा गई हो, तो आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा। हमें हमारे हाथ की कोहनी पर एक करंट जैसा महसूस होता है। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये चीज हर इंसान के साथ कभी ना कभी होती है और इसे देखते हुए भी काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम में से काफी लोगों के मन में ये सवाल घूमता रहता है कि हमारे पूरे शरीर में हमें कहीं पर भी किसी तरह की भी चोट लगती है तो हमें कोहनी के जैसा करंट महसूस क्यों नहीं होता, सिर्फ कोहनी के पास ही ऐसा क्यों होता है। जो कि दोस्तों, आइए आज हम इसके सवाल का आपको जवाब देंगे। पूरी डिटेल में जानेंगे कि कोहनी टकराने से हमें करंट जैसा क्यों लगता है और इसके पीछे की क्या वजह है जिससे हमें करंट जैसा महसूस होता है। कोहनी टकराने से हमें करंट जैसा क्यों महसूस होता है? दरअसल दोस्तों, होता यह है कि हमारे हाथ की कोहनी में एक नस होती है जो हमारी ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ये जब हमारी कोहनी में मौजूद हड्डी जिसका नाम उल्नर नर्व कहते हैं, जब हमारे हाथ की कोहनी में मौजूद नस जब इस उल्नर नर्व की हड्डी से चोट लगने पर दब जाती है तो दिमाग को सिग्नल नहीं मिल पाता है और इसलिए हमारी कोहनी में धंजनाहट जैसी कुछ होने लगती है जो कि हमें करंट जैसा भी लगता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि कोहनी टकराने से हमें करंट जैसा क्यों महसूस होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब इसके पीछे की वजह को अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।